बेहद फायदेमंद है। काला चना भुने हुए हो या अंकुरित हो या इसकी सब्जी बनाई हो, यह हर तरीके से सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और विटामिन्स पाए जाते हैं। इसका रोजाना सुबह सेवन करना चाहिए। आइए आज हम बताते हैं कि आखिर चना हमारे लिए किन-किन तरीकों से लाभदायक है। शरीर को सबसे ज्यादा अंकुरित काले चने खाने से होता है, क्योंकि अंकुरित चने क्लोरोफिल, विटामिन ए, बी, सी, डी और के, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मिनरल्स का अच्छा स्रोत होते हैं। साथ ही इसे खाने के लिए किसी प्रकार की कोई खास तैयारी नहीं करनी पड़ती। रात भर भिगोकर सुबह एक दो मुट्ठी खाकर हेल्थ अच्छी हो सकती है। रोजाना सुबह काला चना खाने से फिट तो रहते ही हैं, साथ ही जल्द एनर्जी देने में भी सहायक होता है। रात भर भिगोए हुआ या अंकुरित चने में हल्का सा नमक, नींबू, अदरक के टुकड़े और काले मिर्च डालकर सुबह नाश्ते में खाएं, बहुत फायदेमंद होता है। आप चने का सत्तू भी खा सकते हैं, यह बहुत ही फायदेमंद होता है। गर्मियों में चने के सत्तू में नींबू और नमक मिलाकर पीने से शरीर को एनर्जी तो मिलती ही है, साथ ही भूख भी शांत होती है। चने में मौजूद फाइबर की मात्रा पाचन के लिए बहुत जरूरी होती है। रात भर भिगोए हुए चने में पानी अलग कर उसमें नमक, अदरक और जीरा मिक्स कर खाने से कब्ज जैसी समस्या से राहत मिलती है। साथ ही जिस पानी में चने को भिगोया गया था उस पानी को पीने से भी राहत मिलती है, लेकिन कब्ज दूर करने के लिए चने को छिल के सहित ही खाएं। दूषित पानी और खाने से आजकल किडनी और गॉल्स ब्लैडर में पथरी की समस्या आम हो गई है। हर दूसरे तीसरे आदमी के साथ स्टोन की समस्या हो रही है। इसके लिए रात भर भिगोया हुआ काले चने में थोड़ी सी शहद की मात्रा मिलाकर खाएं। रोजाना इसके सेवन से स्टोन के होने की संभावना काफी कम हो जाती है, और अगर स्टोन है तो आसानी से निकल जाती है। इसके अलावा चने के सत्तू और आटे से मिलकर बनी रोटी भी इस समस्या से राहत दिलाती है। शरीर में आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया की समस्या को रोजाना चने खाकर दूर किया जा सकता है। चने में शहद मिलाकर खाने से जल्द असर करता है। आयरन से भरपूर चना एनीमिया की समस्या को काफी हद तक कम कर देता है। चने में 27% फास्फोरस और 28% आयरन होता है, जो न केवल नए ब्लड सेल्स को बनाता है बल्कि हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। चना ताकतवर होने के साथ ही शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए कारगर होता है, लेकिन इसका सेवन सुबह सुबह खाली पेट करना चाहिए। चने का सत्तू डायबिटीज से बचाता है। 1 से 2 मुट्ठी काले चने का सेवन करने से ब्लड शुगर की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। बुखार में ज्यादा पसीना आने पर भुने हुए चने को पीसकर उसमें अजवाइन मिलाएं, फिर इससे मालिश करें। ऐसा करने से पसीने की समस्या खत्म हो जाती है। भुने हुए चने का सेवन करने से बार बार पेशाब जाने की बीमारी दूर होती है। साथ ही गुड़ व चना खाने से यूरिन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या में राहत मिलती है। रोजाना भुने हुए चने के सेवन से बवासीर ठीक हो जाती है। हिचकी की समस्या से ज्यादा परेशान है तो चने के पौधे के सूखे पत्तों का धूम्रपान करने से हिचकी आनी बंद हो जाती है। साथ ही चना आंतों इंटेस्टाइन की बीमारी के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। केवल हेल्थ के लिए ही नहीं, स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। चना खाकर चेहरे की रंगत को बढ़ाया जा सकता है। वैसे चने की फॉर्म बेसन को हल्दी के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा ग्लो करने लगती है। चीनी मिट्टी के बर्तन में रात भर भिगोए हुए चने को चबा चबा कर खाएं।
पुरुषों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पुरुषों की कई प्रकार की कमजोरी की समस्या खत्म होती है। जल्द असर के लिए भीगे हुए चने के साथ दूध भी पिए। भीगे हुए चने के पानी में शहद मिलाकर पीने से पुरुषत्व बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स।